शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अवगढ़ बालक, पूरा एक युग बीत चुका है तुम्हें रोते हुए इस पितृलोक में, परंतु किसी ने तुम्हारी सुध नहीं ली, न त्रिदेवों ने, न किसी देवता ने और ना ही तुम्हारी माता ने। इसीलिए तो मैं यहां आया हूं तुम्हारी सहायता करने। तुम्हारी जो इस संसार में जन्म लेकर सांसारिक जीवन जीने की इच्छा है ना, उसे पूरी कर दे, उसे पूरी कर दे। मुझे सांसारिक जीवन दीजिए प्रभु, अन्यथा मैं संसार को नष्ट कर दूंगा। अवगढ़ बालक, मैं जानता हूं कि तुम क्रोधित हो, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी माता ने तुम्हें त्याग दिया। अब तुम्हें माता का प्रेम भी मिलेगा और सांसारिक जीवन भी, क्योंकि मैं कराऊंगा तुम्हारा दूसरा जन्म। मैं हाँ बालक, हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि अब तुम रोना भूल जाओ और हंसो, हंसो, क्योंकि तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है। भैरोना, तुम एक बालक के साथ छल कर रहे हो, उसके प्रेम के साथ छल कर रहे हो, उसे एक झूठी आशा दे रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। भैरोना, तुम्हारी ये खुशी बता रही है कि तुम भी यही चाहते हो, परंतु बालक, तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारी शक्तियां चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी शक्ति से ही मैं विधि के विधान को बदलकर तुम्हें दूसरा जन्म दिला सकता हूं। तो तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे सौंप दो बालक, मुझे सौंप। भैरोना, इतने वर्षों में तुम अकेले हो जिसने मेरे दुख को समझा, तुम अकेले हो जिसने मुझे नई आशा दी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी समस्त शक्तियाँ सौंपता हूँ। जय काल भैरव। ये तो अत्यंत ही अनर्थकारी निर्णय ले लिया उघड़नाथ ने, पर इसमें उनका कोई दोष नहीं। ये युगों से सहते आ रहे उनके दुख और यातना का परिणाम है ये। अवगढ़ बालक, तुम्हारा ये निर्णय तुम्हारे और समस्त संसार के लिए कल्याणकारी होगा, पर सबसे पहले इससे मेरा कल्याण होगा। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। भैरोना, यदि तुम द्वापर काल में ये अनर्थ कर रहे होते तो मैं अभी और इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देता, पर तुम्हारा अंत केवल भक्ति के द्वारा होगा, क्योंकि इस कलयुग में मैंने पापियों को दंड देने का यही विधान निर्धारित किया है। इसलिए अब मेरी परम भक्त तुलसी ही तुम्हारे इस पाप का अंत करेगी। हमें मार्ग तो मिल गया, पर हम समय रहते सुगंधा दीदी तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक हम यहाँ से गोरबा पहुंचेंगे वो भैरवनाथ अपना धर्म कर भी चुका होगा और हमारी ये सारी यात्रा व्यर्थ चली जाएगी। तुलसी, प्रभु आप। तुलसी, धर्म की यात्रा कभी निष्फल नहीं जाती। पर प्रभु, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है और उज्जैन से गोरबा बहुत दूर है। तुलसी, तुम जानती हो इस संसार में सबसे तीव्र गति से क्या चलता है? प्रभु, हमने महाभारत में पढ़ा था, यही प्रश्न एक यक्ष ने युधिष्ठिर से भी किया था और उनका उत्तर था कि मन। तुम सत्य कह रही हो तुलसी, मन मन इस संसार में सबसे तीव्र गति से चलता है और इसीलिए अब तुम्हें मन की गति से ही गोरबा जाना होगा। अपनी आंखें बंद करो तुलसी। काल भैरवाय नमः। ओम ऐं
काल भैरवाय नमः। ओम ऐं क्लीं क्लीं काल भैरवाय नमः। आज मेरी वर्षों की साधना पूरी हो गई जिसे मैं सालों से खोज रहा था। उस अवगर बालक की तंत्र शक्तियां धारण कर ली मैंने। अब मैं संसार से सारी भक्ति को समाप्त कर दूंगा और तंत्र शक्ति से राज करूंगा पूरे संसार पर। पर सबसे पहले मुझे लड्डू गोपाल की उस भक्त तुलसीकांत करना होगा, क्योंकि केवल एक वही है जो मेरे रास्ते का रोड़ा बन सकती। तुलसी अपनी आंखें खोलो। तुलसी प्रभु, आप हर काल हर युग में अपने भक्तों की मदद करते। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। तुलसी, भैरवनाथ ने उस अवघड़ बालक की शक्तियों को धारण कर लिया है। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया प्रभु। अब तो वो भैरवनाथ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। हाँ तुलसी, पर धर्म कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वो धर्म और भक्ति को नहीं हरा सकता। इसलिए अब तुम्हें ही भैरवनाथ को रोकना होगा। तुलसी, उसकी अधर्म की यात्रा पर अपनी भक्ति से पूर्ण विराम लगाना होगा। इससे पहले कि लड्डू गोपाल की वो भक्त तुलसी मेरी अवघड़ शक्ति को रोकने के लिए कोई भक्ति शुरू कर दे, मुझे उसका वध करना ही होगा। ये कौन सी शक्ति है? कौन रोक रहा है नाथों के नाथ भैरवनाथ को? भैरवनाथ, यही है पितृलोक का विधान। यहाँ पर जो एक बार आ जाता है तो सशरीर वापस नहीं जा सकता। यहाँ से वही आत्मा वापस जा सकती है जिसका पुनर्जन्म का समय आ चुका होता है। अब तुम्हें अपनी मृत्यु और पुनर्जन्म का समय आने तक अपने पाप के साथ इसी पितृलोक में दंड भोगना होगा भैरवनाथ। भैरवनाथ हूँ मैं, नाथों का नाथ भैरवनाथ। और अब तो उस अवघड़ बालक की समस्त शक्तियां भी है मेरे साथ। अब पूरे त्रिलोक में ना मुझे कहीं आने से कोई रोक सकता है और ना ही जाने से। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।